गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, लेट्स स्टार्ट ग्रामर्स फर्स्ट चैप्टर डिटरमिनर्स। अ डिटरमिनर इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो द काइंड ऑफ रेफरेंस दैट इट इज टू बी मेड। डिटरमिनर नाउन से पहले लगकर उसके प्रकार को बताता है कि ये कौन सा डिटरमिनर है और इससे क्या बना है। जैसे बुक से पहले दिस लगाया तो दिस बुक, एप एप से पहले एन लगाया तो एन एप, थीफ से पहले अ लगाया तो अ थीफ, आइडियाज से पहले सम लगाया तो सम आइडियाज। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर, डिटरमिनर्स के काइंड ये सिक्स काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है आर्टिकल ए एन द, डिमॉन्स्ट्रेशन दिस दैट दिस दोस, पजेसिव आई माय योर हिज आवर्स एक्सेट्रा, डिस्ट्रीब्यूटिव आइदर नाइदर ईच एवरी, क्वांटिफायर सम एनी मच, जिनकी हम क्वांटिटी करते हैं इसलिए उनको क्वांटिफायर्स कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, व्हाट विच हुज। आज हम डिटरमिनर का फर्स्ट काइंड आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर थ्री आर्टिकल्स, आप लोगों को पता भी है पहले भी, आर्टिकल तीन तरह के होते हैं ए एन द। ए एन एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, वाइल द इज द डेफिनेट आर्टिकल, जबकि द एक डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल आर द वर्ड्स विच आर यूजली बिफोर द नाउन और एन एडजेक्टिव, आर्टिकल वो शब्द होता है जो नाउन या एडजेक्टिव के ठीक पहले होता है। जैसे गर्ल नाउन है, इससे पहले अ लग गया अ गर्ल, ईगल ईगल से पहले एन लगा है तो ईगल एक नाउन है, नाउन से पहले एन लगा दिया, अ ब्यूटीफुल गर्ल द वुडन टेबल, ए एन द, ये हमारे आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले ए और एन का यूज देखेंगे, ए और एन कहाँ यूज होता है। ए और एन इज बिफोर यूज सिंगुलर नाउन विच इज काउंटेबल। ए और एन का यूज हम कहाँ करते हैं, एक और एन को हम इंडिकेट करते हैं एक से, जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना, इसलिए उनके आगे हम ए और एन का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रिप्रेजेंट नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ये पहली बार में यूज होता है और किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है, किसी से भी पहले लग सकता है। जैसे ये कॉमन नाउन है कैट, कैट से पहले हमने आ लगा दिया। अच्छा, आपको ये बताते हैं कि ए का यूज कहाँ होता है। ए का यूज कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से पहले होता है। व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, क से लेकर ज्ञ तक सारे हमारे व्यंजन होते हैं, और अ से लेकर अंगा तक हमारे स्वर होते हैं। अ से लेकर अंगा तक जो शब्द आते हैं उनसे पहले हम एन का यूज करते हैं, और क से लेकर ज्ञ तक जो शब्द आते हैं उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं, यानी वोवल से पहले एन और कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं। लेकिन कुछ जगह पर हम कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल से पहले एन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें उसमें देखना पड़ता है। जैसे ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल हैं, इनसे पहले हम एन का यूज करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन वॉवल से पहले हम ए का यूज करते हैं। जैसे देखिए ये यूरोपियन है, यूरोपियन ई से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो यू बनता है, यानी य पे ऊ की मात्रा यू बनता है, तो य जो है वो हमारा व्यंजन है इसलिए इससे पहले ए लगाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब हम उसकी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो हमारे स्वर में आना चाहिए। अगर वो स्वर में आता है और हमारा वॉवल भी है ए ई आई ओ यू में से है, तब हम एन का यूज करते हैं, और अगर वो हमारे स्वर में नहीं आ रहा है तो हम एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम एक और वर्ड लिखते हैं आर, एच ओ यू आर, आर माने घंटा, आर को हम एच से लिखते हैं लेकिन ये हमारा वॉवल नहीं है, बट उसको जब हम हिंदी में लिखते हैं तो आ का यूज करते हैं, तो वो हमारा स्वर है इसलिए उससे पहले हम एन का यूज करते हैं। द, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, आपको पहले भी बताया है कि द डेफिनेट आर्टिकल है। इट पॉइंट्स टू अ नाउन इन अ डेफिनेट वे, ये किसी नाउन को पॉइंट्स करता है लेकिन डेफिनेट वे से। द का यूज कहाँ करते हैं, सिंपली तरीके से मैं आपको बताती हूँ, इस पर ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, लेकिन वैसे मैं आपको सिंपली बताती हूँ। द का यूज हम ग्रुप में करते हैं, हमारी जो हेवनली बॉडीज हैं जैसे अर्थ सन मून, इनके लिए करते हैं, किसी पूरी जाति का बोध कराने के लिए जैसे द डॉग द काउ, इसके लिए करते हैं। उसके बाद द का यूज हम ग्रुप के लिए करते हैं, जब कोई चीज ग्रुप में हो, जैसे स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास,
द क्राउड इसके लिए करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द लगाते हैं, जिस डिग्री के लास्ट में हमारी तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में ईएसटी लगता है, जैसे बेस्ट में लगा है, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, इनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे हमने डॉग और काउ की जाति बताई, ऐसे रिच और पुअर भी एक जाति है, तो रिच से पहले भी द लगाएंगे, पुअर से पहले भी द लगाएंगे। द का यूज हम हमारी जो गल्फ्स हैं, जैसे द गल्फ ऑफ कैम्बे, द पर्शियन गल्फ, सी है हमारे द अरेबियन सी, द इंडियन सी, द रिवर है हमारी द गंगा यमुना, माउंटेन रेंजेस द हिमालय, द अरावली ग्रुप ऑफ आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार, ट्रेन्स द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, बुक्स है हमारी होली बुक्स, द गीता, वेदास, द कुरान, इनसे पहले भी द का यूज करते हैं। न्यूज पेपर हमारे हो गए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून। कंट्रीज विद अ कॉमन नाउन इन इट्स नेम, बड़े बड़े जो देशों के नाम होते हैं ना, जो हमारे कॉमन नाउन में काउंट होते हैं, उनसे पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। द इज यूज टू रिफर द होल फैमिली, पूरी फैमिली को भी जब रिफर करते हैं तो हम द का यूज करते हैं, जैसे द नेहरूज, द अंबानीज, तो उसमें जो उनकी पूरी फैमिली का ग्रुप आ जाता है वो काउंट हो जाता है, इसलिए हम द करते हैं। ऑर्डिनल नंबर से पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द फर्स्ट, द थर्ड, इससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। ग्रुप मैंने आपको पहले बताया है, द क्राउड उसके लिए करते हैं द का यूज, द रिचर पूरी जाति का बोध कराते हैं, सन मून ये हम पहले कर चुके हैं, इन सबसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। मेंशन ऑफ आर्टिकल्स, इसका मतलब होता है जहां पर हमें आर्टिकल का यानी ए एंड द का यूज करना चाहिए और नहीं हुआ है। किसी किसी जगह ऐसा भी होता है जहां पर हमें यूज करना चाहिए और हम उसका यूज नहीं करते हैं, कैसे, नो डिटरमिनेंट्स इज यूज, यहां पर कोई यूज नहीं हुआ है, जैसे व्हेन अ वर्ड स्टैंड फॉर इट्स क्लास, जब एक पूरी क्लास के लिए यानी पूरी जाति के लिए करा जाए, अगर यही वर्ड बीच में आता है तो हम लगाते हैं, अदरवाइज हम नहीं लगाते। जैसे वुमेन, अब वुमेन एक तो नहीं है ना, पूरी जाति है, तो वुमेन इज द बेस्ट क्रिएशन, तो हमने यहाँ सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगा दिया, लेकिन हमें यहां लगाना चाहिए था जो हमने नहीं यूज किया, तो इसमें यानी आर्टिकल हट गया, ओमिशन हो गया, हट गया है। बिफोर द मटेरियल ऑफ नाइन, मटेरियल से पहले भी हम लगाते हैं, जैसे हमारी धातु है प्लेटिनम, वुड, ये हमारी धातु है ना, हम इससे पहले लगाते हैं, लेकिन नहीं लग रहा है इसमें, इसको हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। प्लेटिनम इज अ कॉस्टली मेटल, वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर, ऐसे ही प्रॉपर नाउन से पहले भी हमने नहीं लगाया है। द न्यू दिल्ली हम लिखते हैं ना, द दिल्ली, द मुंबई लिखते हैं, बट इसमें से भी ओमिशन हो गया है, जिसको हमने द न्यू दिल्ली और द मुंबई लिखना था पर नहीं लिखा है। इन केस एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, इट बिकम्स अ कॉमन नाउन, अगर कोई आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले होता है तो वो एक कॉमन नाउन में संबोधित किया जाता है। राहुल इज द वर्ड्स वर्थ ऑफ द क्लास, वर्ड्स वर्थ एक नाम है बट उससे पहले हमने द लगा दिया। सचिन तेंदुलकर इज द ब्रांड मैन ऑफ इंडिया, तो हमने द सचिन तेंदुलकर ना लगा के सचिन तेंदुलकर इज द ब्रांड मैन ऑफ इंडिया, उसके ब्रांड से पहले लगा दिया, यानी उनके कॉमन नाम से पहले हमने इसको यूज कर लिया है। आर्टिकल आर यूज टू बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल यूज होते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन हमें कैसे लिखना था, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट हमने नहीं लिखा, इसको शॉर्ट में कराया है, जिसमें से हमारा जो आर्टिकल है वो ओमिशन हो गया है। बिफोर द वर्ड लाइक स्कूल, ऑफिस, चर्च, कॉलेज, सी, हॉस्पिटल, ये हमने पहले पढ़ाया है ना कि इनसे पहले हम द लगाते हैं, लेकिन किसी किसी जगह हमें इनका ओमिशन भी करना पड़ता है, जैसे माई मेट गोज टू द चर्च होना चाहिए था, जिसको हमने नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है माई मेट गोज टू चर्च ऑन संडे, तो जो द का है वो ओमिशन हो गया है। इसी तरीके से यही नियम और पर भी फॉलो होता है। अब लैंग्वेज का आ गया, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज एंड द सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक, फिजिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश इज द लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, लेकिन हमारी इंग्लिश एक मेन लैंग्वेज है, कई लोगों द्वारा ये बोली जाती है, इससे पहले हमें द लगाना था बट हमने नहीं लगाया। बिफोर द नेम ऑफ द डे, संडे मंडे अभी मैंने आपको बताया, इनसे पहले लगाते हैं बट इसमें से भी ओमिट हो गया, सीजन से पहले भी ओमिट हो गया। बिफोर द नाउन इन पेयर्स, जब जोड़े में दिया जाता है, जैसे डे एंड नाइट, द डे एंड नाइट ना लगा के हमने ओनली डे एंड नाइट का यूज किया है। इन सर्टेन फ्रेजेस लाइक वॉच फायर, एट हार्ट, टू लूज हार्ट, टू टेक अप टास्क, टू लॉस द हार्ट, होना चाहिए हार्ट लगाते ना,
लेकिन हमने क्या लिखा है, ओनली लॉस हर्ट, तो इसमें भी द ऑमिट हो गया है। रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, इसमें देखो आर्टिकल रिपीट हो रहा है दो बारी, द प्रिंसिपल से पहले आ गया, द चेयरमैन से भी पहले आ गया, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन ऑफ द कॉलेज, कॉलेज से भी पहले आ गया, हैव अराइव्ड, टू डिफरेंट पीपल है, ये दो अलग अलग लोग हैं। जैसे कॉलेज भी हमारे, हमने बोला था ना आपको कि कॉलेज से पहले यूनिवर्सिटी से पहले द लगाते हैं, अब ये चेयरमैन अलग है इसलिए इससे पहले द लगाया, प्रिंसिपल अलग है इसलिए इससे पहले द लगाया, तो हमने टू डिफरेंट पीपल के लिए इसमें द का यूज किया। बच्चों स्कूल में बुक्स आ चुकी हैं, तो आप लोग स्कूल से बुक्स ले लीजिए। जो ये चैप्टर मैंने आपको अभी रीड कराया है इससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगी, आपको ये बुक में ही सॉल्व करनी है।